नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले पंजाब किंग्स के बारे में, जिनको लेकर बहुत ही बड़ी रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है। अगर हम बात करें कप्तान केएल राहुल के बारे में और मयंक अग्रवाल के बारे में, दोस्तों क्या है पूरी रिपोर्ट, क्या है खबर, हम बात करेंगे वीडियो में। तो बने रहिए हमारे, देखते रहिए हमारे वीडियो को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो जल्दी जा करके सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जैसे कोई नया वीडियो लेकर आए तो उसका अपडेट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों बढ़ते हैं आगे अपने वीडियो में, ये क्या है पूरी रिपोर्ट और क्या है ये खबर। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करना चाहते हैं एक एप्लीकेशन के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को इंतजार है इंडियन T20 लीग का बेसब्री से, तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ माई 11 सर्कल ऐप। दोस्तों इस ऐप की सबसे बढ़िया खासियत ये है कि यहाँ पे आपको दिग्गजों के साथ खेलने का मौका मिलेगा। तो सौरव गांगुली सर, VVS लक्ष्मण सर, अजिंक्य रहाणे और आसिफ खान जैसे दिग्गजों के साथ आप यहाँ पर अपनी टीम बना करके हेड टू हेड खेल सकते हैं। आपको सिंपली पिकअप करनी है अपनी प्लेइंग 11 किन्हीं भी दो टीमों से और इन दिग्गजों से भिड़ानी है। और दोस्तों अगर बात करें तो इस इंडियन T20 लीग में माई 11 सर्कल लाया है सबसे बड़ा फर्स्ट विनिंग प्राइज किसी भी फैंटेसी ऐप के कंपैरिजन में। 5 करोड़ रुपए का पहला प्राइज है। जी हाँ दोस्तों, 5 करोड़ रुपए का ये पहला प्राइज है और आपने बिल्कुल सही सुना है। यही नहीं दोस्तों, आपको इस ऐप को डाउनलोड करने पे मिलता है पूरे 1500 रुपए वेलकम बोनस और हमारे एक्सक्लूसिव व्यूवर्स को डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड करने पे मिलेगा पूरे 20% और ज़्यादा एक्स्ट्रा कैश। और दोस्तों यही नहीं, आप अपने सारे जीते हुए पैसे अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं बिना कोई रिस्क के। और दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग जिन्होंने माई 11 सर्कल से काफ़ी पैसे जीते हैं और करोड़पति बने हैं। दोस्तों देख क्या रहे हैं, जल्दी से जा करके डाउनलोड कीजिए माई 11 सर्कल ऐप, अपनी टीम बनाइए और करोड़पति बनते रहिए। दोस्तों अगर बात करें मैच नंबर 48 पंजाब किंग्स और RCB के बीच में यह मैच घटा था। मैच काफ़ी रोमांचक हुआ और आखिरी ओवर में जा करके पंजाब किंग्स जो 6 रनों से इस मैच को हार गई। अगर दोस्तों बात करें तो हार की जो बड़ी कारण है वो बताई जा रही है पंजाब किंग्स की मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी। यानी कि अगर हम देखें केएल राहुल और मयंक अग्रवाल के बाद कोई ऐसा बैट्समैन नहीं था जो कि जिम्मेदारी से अपनी पारी को खेले। और अगर हम बात करें पंजाब किंग्स की तो उनके पास ये एक या दो मैच में नहीं हुआ है, बल्कि जब से सीजन की शुरुआत हुई है तब से ये चला आ रहा है। अगर दोस्तों बात करें तो टीम मैनेजमेंट या फिर केएल राहुल किसने जो यहाँ पे गैर जिम्मेदारी दिखाई है प्लेइंग 11 को लेकर के, उसका जो हार का ठिकरा है उनके सर पर जाना चाहिए, ऐसी जो रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें तो पंजाब किंग्स के जो हार के कारण है वो यही बताई जा रही है। उनके पास 3 से लेकर के जो 6 नंबर की बल्लेबाजी है वो काफ़ी वीक है, जिसकी वजह से अपोजिशन जो टीम है वो काफ़ी अच्छी तरीके से गेंदबाजी करके चढ़ाई करती है और पंजाब किंग्स की टीम ऐसे मौके पर काफ़ी सारे मैचेस को उन्होंने गंवाया है। तो अब दोस्तों अगर बात करें तो केएल राहुल की तरफ से ये रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि 500 से ज़्यादा रन बनाने वाले वो पास बन गए हैं। और अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा सीज़न में उन्होंने जो है 500 रन बनाए हैं। अगर बात करें तो 4 सीज़न ऐसा घटा है जहां पे केएल राहुल ने 500 से ज़्यादा रन बनाए हैं। और ये केएल राहुल ने भी जो है कल पोस्ट मैच शो के बाद कहा था कि उनका जो परफॉर्मेंस रहा है इस फ्रेंचाइजी के साथ तो काफ़ी अच्छा रहा है पिछले 3-4 साल से, लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो तो ठीक है लेकिन जो रिजल्ट है वो टीम के पक्ष में नहीं आ रहा है। तो एज ए प्लेयर आपको जो यहाँ पर निराशा होती है, और अगर आप टीम के कप्तान हैं तो रिजल्ट अगर आपके फेवर में ना जाए तो आपको बहुत बड़ी निराशा यहाँ पे हाथ लगती है। उन्होंने कहा है दोस्तों अगर हम बात करें तो अर्शदीप सिंह, हरप्रीत बार और अगर देखें तो रवि विष्णु ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की। बॉयज की अगर दोस्तों बात करें तो गेंदबाजी से काफ़ी अच्छे रहे, लेकिन बैट्समैन की अगर हम बात करें तो मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं काफ़ी ढीले हैं और ये हमें किसी भी तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो हार है वो मैं अपने सिर पर किसी भी तरीके से लेना चाहता हूँ, बिकॉज अगर मैंने इस तरीके से बल्लेबाजी नहीं की होती और अगर मैं अंत तक टिकता तो शायद जो रिजल्ट हमारे फेवर में आ सकता था। अब दोस्तों अगर बात करें तो देवदत्त पड्डीकल का जो कैच था वो लिया गया था, पूरी तरीके से दिखाई दे रहा था कि वो कैच आउट है, लेकिन फिर भी थर्ड अंपायर ने उसे नॉट आउट करार दिया, जिसको लेकर सारे क्रिकेट जगत में एक सनसनी सी फैल गई कि थर्ड अंपायर जो ऐसे कैसे कह सकते हैं, जबकि अगर हम देखें तो वहाँ पर पूरी तरीके से क्लीन एकदम कैच दिखाई दे रहा था। अब दोस्तों इसको भी लेकर जो है पूरी चर्चा होनी चाहिए। अब दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करें तो मयंक अग्रवाल, जो कि 2020 के बाद उन्होंने 7 बार हाफ सेंचुरीज मारी हैं, लेकिन 7ों बार पंजाब किंग्स की टीम उस मैच को हार गई है। तो अब दोस्तों ऐसे में क्या मयंक अग्रवाल की हाफ सेंचुरीज पंजाब के पक्ष में नहीं जाती है या फिर ये क्या है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन अगर दोस्तों बात करें दोनों ओपनर ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की है, और ना कि इस सीज़न बल्कि हर सीज़न में पंजाब किंग्स का ये दोनों ओपनर जो है रन बनाते हुए नज़र आए हैं। तो दोस्तों आपका क्या कहना है पंजाब किंग्स की टीम के बारे में, इन दोनों ओपनर के बारे में? और अगर हम देखें तो अगला मैच पंजाब किंग्स का होने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, यहाँ पे किसी भी तरीके से जीत की धुंध में जो है पंजाब किंग्स यहाँ पे निकलने वाली है और पूरे फ्री तरीके से मैच को खेलते हुए नज़र आएगी।
सबका क्या कहना है उस मैच के बारे में, और क्या पंजाब किंग्स उस मैच को जीत पाएगी कि नहीं, ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आपका क्या राय है कप्तान केएल राहुल के बारे में, अगर बात करें तो बैट्समैन मयंक अग्रवाल के बारे में, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया माय 11 सर्कल ऐप तो जल्दी से जाकर डाउनलोड कीजिए। माय 11 सर्कल की संभावना शामिल है और इसकी लगन सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेले।